तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी स्पोर्ट्स और आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल और आईसीएल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेटों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़ी वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो रहा है बेंगलुरु एफसी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, बेंगलुरु एफसी ने एक नया प्लेयर को साइन किया अपने टीम के नेक्स्ट सीजन के लिए। तो दोस्तों, इस प्लेयर का नाम है केल्टन सिल्वा। तो दोस्तों, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से आते हैं। इनका उम्र है 33 साल। इनका जो मेन पोजिशन है वो है फॉरवर्ड और विंगर, दोनों पोजिशन में वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इनके साथ बेंगलुरु एफसी ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा साइनिंग है बेंगलुरु एफसी के तरफ से। तो दोस्तों, अब मीकू के बाद और एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्ट्राइकर देखने को मिलेगा बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हुए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मीकू को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं, या हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब बात करेंगे प्रबीर दास से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था शायद प्रबीर दास एटीके मोहनबगान या मोहनबगान एटीके में आने वाले नहीं है, लेकिन अब दोस्तों ऑफिशियल नहीं लेकिन लगभग कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट सीजन के साथ साथ अगले दो सीजन के लिए प्रबीर दास एटीके मोहनबगान या मोहनबगान एटीके में कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों, प्रबीर दास ने खुद ने भी कहा था कि उनके साथ बहुत सारे आईसीएल टीम बातचीत चला रहे हैं, जहाँ पर एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी, हैदराबाद एफसी और ईस्ट बंगाल जैसे टीमों का नाम भी सुनने में आ रहा था। लेकिन प्रबीर दास ने प्रेफर किया है अपने पुराने टीम एटीके मोहनबगान या मोहनबगान एटीके को, क्योंकि एटीके ने जब उनका परफॉर्मेंस लेवल कम खराब चल रहा था, जब वो चोट से जूझ रहे थे, तब एटीके ने उनको रिहैब किया था और उनको फिट किया था नेक्स्ट सीजन के लिए। तो दोस्तों, इसके चलते शायद प्रबीर दास ने एटीके मोहनबगान को चॉइस किया है नेक्स्ट सीजन के साथ साथ अगले 2 सीजन के लिए। तो दोस्तों, प्रबीर दास के साथ शायद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मोहनबगान एटीके या एटीके मोहनबगान के साथ। तो दोस्तों, अब सभी एटीके के फैनों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि प्रबीर दास अगले 2 सालों के लिए एटीके में ही रहने वाले हैं। अब बात करेंगे उड़ीसा एफसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, उड़ीसा एफसी ने अपना कोच जो है फाइनलाइज्ड कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था स्टुअर्ट वैक्स्टर के साथ उड़ीसा एफसी का बातचीत चल रहा है और वो अभी ऑफिशियल लेवल में कन्फर्म भी कर चुके हैं उड़ीसा एफसी ने। तो दोस्तों, मैं फिर से स्टुअर्ट वैक्स्टर के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, स्टुअर्ट वैक्स्टर आते हैं इंग्लैंड से, उनका उम्र है 66 साल। उनका जो कैरियर है क्लब कैरियर, उन्होंने साउथ अफ्रीका, फिनलैंड और इंग्लैंड के अंडर-19 टीम को भी कोचिंग किया है। तो दोस्तों, उड़ीसा एफसी से आने से पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका नेशनल टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा हाई प्रोफाइल कोच है उड़ीसा एफसी के लिए। शायद नेक्स्ट सीजन उड़ीसा एफसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेंगे स्टुअर्ट बैक्स्टर के हाथ पकड़ के। उड़ीसा एफसी शायद अगले सीजन चैंपियन या क्वालिफाई राउंड में भी चले जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, उड़ीसा एफसी को क्या स्टुअर्ट बैक्स्टर सक्सेस दिला पाएंगे? तो दोस्तों, यह हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो न्यूज़ है वो कोरो से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एफसी गोवा ने कोरो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा क्या कोरो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और एफसी गोवा में फिर से वापस आते हैं। को एफसी गोवा चाहते हैं कोरो को, लेकिन कोरो ने अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है कि वो अगले साल भी एफसी गोवा की तरफ से खेलेंगे या वो रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोरो एफसी गोवा में ज्वाइन करेंगे या नहीं? तो दोस्तों, यह हमें आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे ऐसा लगता है शायद कोरो फिर से आप लोगों को एफसी गोवा के जर्सी में नजर आएंगे नेक्स्ट सीजन में। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, यह हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी न्यूज़ और अपडेट अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। और दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अगर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं इंडियन फुटबॉल और आईसीएल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेटों के साथ।